सो हेलो देयर, क्या आपने भी ये सारी क्लासेस सुनी हैं ड्रग्स की, जैसे कि सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर वगैरह, है ना? तो क्या आपके अंदर भी ये सवाल आया है कि ये चैनल क्या चीज़ है? मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ये सारे ड्रग्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे, बट ये चैनल क्या चीज़ है ना? तो अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सेल सिग्नलिंग की सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आयन चैनल्स। आयन चैनल्स क्या हैं, कितने हैं, कैसे काम करते हैं वगैरह। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ वेलकम टू केमिप्रो, एक ऐसी जगह जहां हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही वियर्ड वे में एक्सप्लोर करते हैं, ताकि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में बल्कि उसको याद रखने में भी आसानी हो। सो इफ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। नाउ शुरुआत सेल से करते हैं। हमने सेल के बारे में काफ़ी पढ़ा, मतलब सेल क्या है, कैसे काम करता है, सेल किस चीज़ से बना हुआ है, कितने ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस क्या है। कुछ ऑर्गेनल्स को तो हमने डिटेल में पढ़ा, लेकिन सेल के कुछ पार्ट्स को हमने उनका सिर्फ नाम याद कर लिया, और उनमें से एक है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? जैसे एक घर के लिए दीवार होती है, वैसे ही सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन है। बट अनफॉर्चुनेटली हम घर में भी ज़्यादातर दीवारों के बारे में बात नहीं करते। हम हॉल, किचन, बेडरूम, बाथरूम, ये सारी चीज़ों को गिन लेते हैं, बट दीवारों पे हमारा ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता। जबकि दीवार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है घर के लिए, राइट? बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स घर के दीवार में होते हैं, जैसे कि खिड़की हो गई, दरवाज़ा हो गया। दरवाज़ा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है घर के अंदर बाहर आने जाने के लिए। दरवाज़ा सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिना दरवाजे के घर ही नहीं होगा, राइट? तो इसी तरीके से हमारे सेल की दीवार में भी कई दरवाजे होते हैं, और आज हम उन्हीं में से एक दरवाजे के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो इतना सब कुछ बोलने के बाद आपको इतना समझ आ ही गया होगा कि आयन चैनल्स का काम क्या है कि नहीं। नाउ सबसे पहले आयन चैनल्स की डेफिनेशन सुन लो। आयन चैनल्स आर पोर फॉर्मिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट अलाउ आयन्स टू पास थ्रू द चैनल पोर। मतलब आयन चैनल एक पोर है, मतलब एक टनल है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके जरिए आयन्स पास हो सकते हैं। अब आयन्स पास हो रहे हैं इस चैनल से, इसीलिए इसका नाम है आयन चैनल्स, राइट? सिंपल। नाउ अब आयन चैनल्स की बात करें तो देर आर टू टाइप्स, गेटेड आयन चैनल एंड नॉन गेटेड आयन चैनल्स। सिंपल सी बात है, जिस आयन चैनल के अंदर दरवाज़ा हो, मतलब जो खुल सकता हो, बंद हो सकता हो, राइट, तो उसे कहेंगे गेटेड, क्योंकि गेट लगा हुआ है उसके अंदर। ओके, और जिसमें गेट नहीं है, मतलब जो खुल बंद नहीं हो सकता, उसे कहेंगे नॉन गेटेड। नाउ नॉन गेटेड आयन चैनल्स मोस्टली सेल के अंदर होते हैं, मतलब सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उसके ऊपर अगर आयन चैनल्स हैं तो वो मोस्टली नॉन गेटेड होते हैं, और गेटेड आयन चैनल्स मोस्टली सेल के सर्फेस पे होते हैं। नाउ अब गेटेड आयन चैनल्स की बात करें तो वो तीन टाइप के हैं, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स एंड स्ट्रेस गेटेड आयन चैनल्स। और इन तीनों में से अगर रिसेप्टर की बात करें तो सिर्फ एक ही है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। बाकी दोनों जो आयन चैनल्स हैं वो रिसेप्टर नहीं है। तो सबसे पहले स्ट्रेस गेटेड आयन चैनल्स देखते हैं। ये जो आयन चैनल्स हैं उनकी गेटिंग के लिए, मतलब उनके खुलने बंद होने के लिए स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है, प्रेशर की, टेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, मतलब जब भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ता है या फिर कोई भी खिंचाव आता है तो ये आयन चैनल्स खुल जाते हैं, और फिर जब वो टेंशन जाता है, जब वो प्रेशर चला जाता है, तो ये वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जो चैनल्स हैं उनका गेटिंग का मैकेनिज़म प्रेशर पर डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे कॉकलियर हेयर सेल्स, जो कि हमारे कान के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो एक टाइप के सेंसरी सेल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ये जो आयन चैनल्स है इनका गेटिंग का मैकेनिज्म वोल्टेज पर डिपेंड करता है। देखो हमारे सेल मेम्ब्रेन का अपना एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, बाहर की तरफ यूजुअली पॉजिटिव चार्ज होता है और इंट्रा सेलुलर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक सर्टन वोल्टेज के ऊपर ये जो आयन चैनल्स है वो खुल जाते हैं, फिर एक सर्टन वोल्टेज पर ये बंद भी हो जाते हैं।
तो इनका जो गेटिंग मैकेनिज्म है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। और ये आयन चैनल्स को खोलने और बंद करने के लिए लिगैंड की जरूरत पड़ती है। इस दरवाजे को खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। स्ट्रेस गेटेड आयन चैनल्स को खोलने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती थी, प्रेशर की जरूरत पड़ती थी, राइट। वोल्टेज गेटेड को आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती, लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती और वो चाबी उसी ताले की होनी चाहिए। ओके, तो लिगैंड गेटेड में क्या होता है कि इस आयन चैनल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, जहाँ पर जब कोई लिगैंड आकर बाइंड करता है तभी ये चैनल खुलता है, अदरवाइज ये नहीं खुलेगा। और वो जो बाइंडिंग साइट होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, सिर्फ वही एक ही लिगैंड उस बाइंडिंग साइट से बाइंड हो सकता है। जिस तरीके से आप एक ही चाबी एक ताले के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी चाबी ताले में यूज़ नहीं कर सकते, राइट, तो उसी तरीके से एक ही लिगैंड बाइंड होता है, और जब वो बाइंड होता है तो आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, फिर वो जैसे ही वहाँ से हटता है तो आयन चैनल्स वापस से क्लोज हो जाते हैं। तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स इस तरीके से वर्क करते हैं। ना ये तो बात हो गई आयन चैनल्स के टाइप्स की। कुछ आयन चैनल्स ऐसे होते हैं जो कई आयन्स के लिए परमिएबल होते हैं, लेकिन कुछ आयन चैनल्स ऐसे होते हैं जो एक ही आयन के लिए परमिएबल होते हैं। आपने सुना होगा जैसे कि सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, राइट। ये उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उस चैनल से सिर्फ सोडियम या सिर्फ पोटेशियम पास हो सकता है, और जो आयन उस चैनल से पास होता है वही उसका नाम बन जाता है उस चैनल का, जैसे कि सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, राइट। नाउ आयन चैनल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है आयन चैनल? तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आप सुन पा रहे हो बिकॉज ऑफ आयन चैनल्स, आप देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ आयन चैनल्स, आपका हार्ट बीट कर रहा है बिकॉज ऑफ आयन चैनल्स, आपको आपका एनवायरनमेंट फील हो रहा है बिकॉज ऑफ आयन चैनल्स, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सब एक्टिवेट होता है, डिप्रेस होता है, ऑल बिकॉज ऑफ आयन चैनल्स। एक इम्पल्स जनरेट करने के बाद इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचने तक जो पूरी प्रोसेस रहती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आयन चैनल्स। तो आयन चैनल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ना इनमें भी लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स की इम्पोर्टेंस फार्माकोलॉजी में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स को यूज़ करके हम डिजीज़ का क्योर बना सकते हैं। मतलब कोई लिगैंड अगर इनफ नहीं है या फिर रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पा रहा है तो हम रिसेप्टर को स्टडी करके, लिगैंड को स्टडी करके हम उसको बाइंड करा कर उस आयन चैनल को वर्क करा सकते हैं। इट्स सिंपल। तो इसलिए आयन चैनल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ आयन चैनल्स की वर्किंग जो है वो आपको आने वाली एक वीडियो, न्यूरो ट्रांसमिशन करके एक वीडियो आएगी, उसमें आपको पूरी वर्किंग एकदम डिटेल में दिखाई जाएगी। मतलब हमारा इम्पल्स किस तरीके से ट्रांसमिट होता है हर न्यूरॉन्स के बीच में वो उस वीडियो में बताया जाएगा, तो उसमें आयन चैनल्स का डिस्कशन होगा। ओके, नाउ ये तो बात हो गई आयन चैनल्स के बारे में। इसमें हमने पढ़ लिया लिगैंड गेटेड आयन चैनल जो कि रिसेप्टर था। नाउ नेक्स्ट रिसेप्टर इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई डाउट हो, या फिर आप DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन अलाउ मी टू साइन ऑफ।